और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मधुबनी मामले पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने ट्वीट करके दरअसल तंज कसा है। माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन के अंदर बिहार पुलिस अर्थात जेडीयू पुलिस से माननीय विधायकों और पत्रकारों को पिटवाने के बाद कोर्ट के चैम्बर में अब न्यायाधीशों को वो पिटवा रहे हैं, ये कहते हुए तंज कसा गया है तेजस्वी यादव की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और नीतीश के सुशासन के दावों पर करारी चोट की गई। और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं पटना, जहां से हमारे सहयोगी रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, ताज्जुब हो रहा है इस खबर को अपने दर्शकों के सामने रखते हुए, बिहार में ये हो क्या रहा है, ये कैसा है सुशासन? जी हाँ बिल्कुल, और समीर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये कैसा सुशासन है। न्याय के ऊपर कानून का हमला, और उस राज्य में जहां कानून के राज्य का दंभ भरा जाता है, बार बार हर मंच से बिहार सरकार और सुशासन बाबू जिनको कहा गया, जिन्हें विकास पुरुष, न्याय के साथ विकास, उस राज्य में न्याय पर हमला होता है, कानून के राज्य में कानून हमला करता है न्याय पर, फिर भी ये दंभ है, बार बार दंभ है कि यहाँ कानून का राज है। लेकिन इस मामले में ना सिर्फ जिला प्रशासन, जिले के एसपी, बल्कि पटना हाईकोर्ट ने जो संज्ञान लिया है उसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी सबको एक सप्ताह में सीलबंद लिफाफे में पूरा रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही 29 नवंबर को डीजीपी को सशरीर पटना उच्च न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है, क्योंकि जिस तरह तरीके की यह घटना है इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि डीजीपी और गृह विभाग उस आईपीएस अधिकारी जिनके खिलाफ एडीजे प्रथम अविनाश कुमार ने कहा था और ये एक आदेश जारी किया था कि इनका सही प्रशिक्षण कराया जाए, इन्हें सही तरीके से प्रशिक्षण नहीं मिला है। गृह विभाग को उन्होंने कारण क्या था इस मारपीट का, ये तो सामने आ गया जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है, लेकिन तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने भी कई सवाल उठाए हैं और बिहार पुलिस को जेडीयू पुलिस बताते हुए इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार को भी घेरा है। अभी तक जो जांच हुई है उसमें क्या कारण सामने आए, जांच कैसे आगे बढ़ रही है, और क्योंकि गृह सचिव मुख्य सचिव से भी जवाब मांगा गया है, उन्होंने कुछ बोला इस बारे में? देखिए, ये घटना कोई स्वतः एक दो दिन की घटना नहीं है, इस घटना का एक बैकग्राउंडर है, उस बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि जिस तरीके से, हालांकि पटना हाई कोर्ट ने स्वयं एडीजे प्रथम अविनाश कुमार की जितनी भी कार्रवाई है या उनका जो पावर है उसको सीज कर दिया था, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों कुछ ऐसे फैसले सुनाए थे, गरीब बच्चों को दूध पिलाना है, महिलाओं के कपड़े धोने हैं, और उसके साथ ही जो मैं इसके पहले जिक्र कर रहा था कि एसपी का प्रशिक्षण सही नहीं हुआ है, उन्होंने कई दफ़े कोर्ट रूम में उन्हें ना सिर्फ लताड़ लगाई थी बल्कि ये आदेश जारी किया था कि एसपी महोदय की सही तरीके से प्रशिक्षण कराई जाए, ये आदेश दिया था। और जिस तरीके से घोघरडीहा थाने के प्रभारी बार बार कह रहे हैं, और जैसा अविनाश ने अपने लिखित आवेदन में भी अविनाश जी ने दिया है कि वो बार बार कह रहे थे। शुक्रिया रुपेश आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए, और देखना होगा कि ये मामला अब क्या रूप लेता है। कुछ फैसलों से नाराजगी वजह बताई जा रही है जिसके चलते वर्दी वाले गुंडे बन गए और कैबिन में घुसकर जज के साथ की गई मारपीट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।